Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And today we are going to work out something different. Something different from our last classes. It's all about a quick revision of MEG3. British novel. Aapne kaha quick revision kiske liye, kyun, kya zarurat hai? We are not going to work out the 9 laws, that's true. कोई भी स्टूडेंट 9 के 9 ब्लॉक्स तो वर्कआउट नहीं करता. अब वो नहीं करता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट वी नीड टू वर्क इट आउट, हम क्या करेंगे. तो मेरे हिसाब से मैंने कहा कुछ स्टूडेंट्स को मैंने 6 नॉर्म्स के लिए कहा, मैंने कहा आप 6 करो, दैट्स मोर देन आप 6 करते हैं, देन आई एम गोइंग टू वर्क इट आउट दिस. और ये 6 कौन से हैं, मैंने कहा पेपर कल है और आज मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, बिकॉज़ आई डू हैव जस्ट अ हाफ डे. MEG 1 देने के बाद MEG 3 सेकंड को ही है, दैट्स ट्रू, सेकंड को MEG 3 है. MEG 1 की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में डाल चुका हूं बच्चों के लिए जो अभी तक देख चुके होंगे, और ये वो वीडियो है जिससे आप क्विक रिवीजन करेंगे. यू कैन गो ऑन द फर्स्ट ट्रैक, दैट्स ट्रू, द फर्स्ट ट्रैक, यही मुझे चाहिए. व्हाट आई वांट यू टू गेट गुड मार्क्स. अच्छा, इन गुड मार्क्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है, पहले तो एक क्विक फ्लैशबैक आना चाहिए, सारे के सारे कैरेक्टर्स, प्ले राइटर्स, क्या थीम है, व्हाट आर द थीम्स, क्या चीजें हाईलाइट हो रही हैं. इट्स अ क्लास वेयर आई एम गोइंग टू पुट माय बेस्ट फॉर यू गाइस. सो हाउ आर वी एबल टू क्लियर दीस टू यू. टॉम जॉन्स, लेट्स स्टार्ट विद टॉम जॉन्स. अच्छा, ये पहले क्लियर दो, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं की, जो दिमाग में आया लिखता गया. Tom Jones, Pride and Prejudice, A Passage from India, The Port of Young Man Artist, The Great Expectation, Wuthering Heights. ये वो 6 नॉवल मैंने चूज किए आपके लिए जो आपको ऑन टिप करने. You'll go on a on tip these things. हाँ, after sir जो छोड़ दिए क्या मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं यार, मुश्किल सिर्फ वो होता है जो हमें नहीं आता, और ऐसा कुछ रखो जो आप बना दो. तो आपने कहा how are you going to get the marks in MA English by Dr. MEG 3. तो MEG 2 and 3 as I told you earlier, ये दो पेपर हैं जिनमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, मैक्सिमम. बट गो विद अ सर्टेन फ्लो, गो विद अ फ्लो एंड यू विल गेट इट एवरीथिंग. फॉर दोस हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ, व्हाई वेस्टिंग योर टाइम मैन, डू सब्सक्राइब राइट नाउ, एज यू गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स, दोस आर गोइंग टू हेल्प यू आउट. यू डू हैव अ फाइनल ईयर एंड देन द नेट जी आर वेटिंग फॉर यू, एंड देन द लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू रैक इन लिटरेचर खत्म नहीं होती पढ़ाई. We have to work it out. Learning is gone beyond the limits. Let's start the class without wasting the really important time that we have very much less right now. The first, the Tom Jones Henry Fielding is the story of a bastard. That's true. The story of a bastard. Tom Jones क्या था, कैसे बड़ा हुआ, उसका growing up, उसका period. L. Worthy का character sketch बहुत important. आपने कहा टॉम जॉन्स लव सोफी, हाँ सर, सोफिया को प्यार करता था, उसका कनेक्शन था मास्टर बिलफिल से, उसकी रिलेशनशिप सर उसकी मदर, एंड देयर वाज अ चांस दैट ही हैड सेक्स विद हिज ओन मॉम. हाउ वी कैन रियली फॉरगेट दैट मोमेंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड देन वी हैव सीन द कैरेक्टर ऑफ टॉम जॉन्स एज द वन हु फ्लाइज फ्रॉम हियर टू देयर. He is like a Casanova. We have seen that he was being attracted to the girls, the ladies. But he do have a good traits, हाँ, good deeds थी उसकी, कुछ अच्छे सी चीजें थी उसमें जो highlight करती उसको, एक अच्छा character create करती, जो hero of the play बनाती थी उसको. आपने कैसे एक novel में hero की qualities थी Tom Jones में, शुरू से लेके आखिर तक Tom Jones ने वो सब show किया जो हमें लगा यार it's worthy to see this guy really have the certain qualities of hero. Tom Jones, how he came up at the last clean. And how the Elworthy get to know that who is his real mom? Konti, we all know that. The sister of Elworthy. That's true, the sister of Elworthy. The mother of Bilfil, Master Bilfil, is the mother of Tom Jones. We'll get to know at the end of the play or the novel. Yahan pe zaruri hai character sketch. Aapne kaha sir, character sketch. Sir, Tom Jones ka character sketch bohut zyada dominant hai. We have to work on Sophia character bohut important hai. Elworthy, we cannot leave this guy. He is the real hero of the story. And then we have Master Bilfil. So ye kuch connections hain chote chote minor characters hain jinko highlight karna. Then there's a need to work out from Fielding too. Fielding ka writing style, the technique that has been implemented and themes. Aapko nahi chhodne, you have to go through by these. Then the next one, the Pride and Prejudice. The masterpiece of Jane Austen. First half, she was given the name of this to the first impression. Later on, she changed to the Pride and Prejudice. Achha, kyun change kiya? I don't have an idea, really.
But you just have a mind that it's be the pride and prejudice. The pride refers to the guy, the hero, the story, the Darcy. And prejudice goes with Elizabeth. आपने कहा sir Elizabeth, that's true. Elizabeth prejudice को highlight करती. And this is the statement that is quoted by Darcy, जो हमें याद रखनी. She is smart but not as much to tempt me. ये statements याद होनी चाहिए. We have to learn these statements. आपने कहा कैसे सर, how are you able to cope with these statements? ये statements क्या हैं, कैसे deal कर सकते हैं, कैसे समझेंगे हम, that all is very important. करेक्टर्स को हाईलाइट करो, करेक्टर को जानने की कोशिश करो. करेक्टर्स क्या थे, बैनर्स की फैमिली, डार्सी की फैमिली, बिंगलेस की फैमिली, कॉलिंस एन इडियट, द लेडी, एंड देन द चार्लॉट्स फैमिली. ये कुछ करेक्टर्स हैं जो होना चाहिए. सर द रियल स्टेट ऑनर और द हाउस मेकर, हमें सब करेक्टर्स याद होने चाहिए. वी कैन लर्न. एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग नॉवल वी हैव, द प्राइड एंड प्रेजुडिस. One of the best novel in our course. That's true. The one of the best. हमें इन characters को जानने, इन characters को समझने की कोशिश करना है. Elizabeth का rejection किसके लिए? Darcy के लिए. Then the entrance of Viking. The smart, the sexy guy. Really, he was the villain. But having a taste to influence anyone, and you cannot leave the character of Lydia. Really, she was more exploited to sex, and she is the real younger Bennet sister. तो हाईलाइट करना, करेक्टर्स को समझना, करेक्टर्स को जानने की कोशिश करना, ये हमारे लिए जरूरी है. वी हैव टू वर्क आउट सारे के सारे करेक्टर्स. ऑन टिप चाहिए, कैसे करेक्टर्स हैं, कैसे डील कर पाएंगे, कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए, ये सब प्राइड एंड प्रेजिस में. तो उससे क्वेश्चन आता है आपको, मैरिजेस, फाइव मैरिजेस थी, वी हैव द फाइव मैरिजेस, मिस्टर मिसेस बेनेट नंबर वन, नंबर टू एलिजाबेथ एंड डार्सी, नंबर थ्री बिंगले एंड जेन, Number 4, we have Charlotte, Lucas and Collins. And number 5, Lydia and Wickham. That is being done at the end of the story through the help of Darcy only. Then the proposal, that's true. The proposal that was rejected first, second, third and last accepted by Elizabeth. That's Darcy's. So, we have to clear that. So, quick revision. It's a class of quick revision. I'm not going to detail, कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं सर आपने बहुत जल्दी बता दिया, या इसे क्विक रिवीजन क्लास चेक आउट द क्विक रिवीजन फॉर MBG 3. अगर आपको डिटेल में देना, गो टू यूट्यूब, मैंने सारी वीडियोस डाली हुई हैं, ऑलरेडी सारी वीडियोस हैं, तसल्ली से वहां देख सकते हैं. देन टाइम टू मूव ऑन टू द पैसेज टू इंडिया. सर दिस इज रियली अ स्टोरी दैट वन शुड वर्क आउट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. अ पैसेज टू इंडिया, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड डॉक्टर अजीज. Dr. Aziz said it's all beginning with Adele and Mrs. Noor. Those come to in India just to know the real India. क्या था real India? क्या हुआ मालवा केस में? वो highlight करना है. Was that something really unusual had happened? कुछ तो हुआ होगा, that something had happened. A widow, Dr. Aziz, having two children. Was there with two ladies? The two ladies, Adele and Mrs. Noor. And Mrs. Noor just came back because she was not feeling easy. She was feeling uneasy over there. Then he moved up upwards with a guide too. With whom? Yeah, exactly. The Adela. And then what had happened? I mean, didn't know play kya hua. Wahan pe usne se pucha, do you have one more than one wife? And children? That's surprising. And then she just moved out from that place. Pata nahi kya reason. Nobody knows the reason. And then he was arrested. The next day he was arrested. On the charges of rape, that is, she accused him of the rape. यहाँ से शुरू होती है कहानी. हमें कई feelings बताई. Highlight किया गया कि क्या characters हैं, कैसे deal करते हैं. The British and Indians cannot be a friend. That is the theory that was developed there. But the Hindu and Muslim were really united at that time. That shows in that particular novel. The Aziz, that's true. The Aziz, Amrit Rao, the lawyer who had won the case for him. In trials, Elizabeth just backed out all charges. उसने charges वापस ले, she quit out. Due to that, she had lost her engagement with Ronnie, the son of Mrs. Moore. She came really, she got frustrated and go back to England. In the war, she died. That's true. हम जानते हैं कि वो मर गई वहाँ. लेकिन concept clear करना जरूरी है. क्या था? कौन से character हैं? उसका friend fielding, हाँ sir, वो college का principal. Then Mr. and Mrs. Tottle, हाँ sir, governor. Then the inspector, Mrs. Derrick, कई सारे characters. We have plenty of characters.
क्या सर सारे कैरेक्टर्स याद करने होंगे, क्या हम सबको वर्कआउट करेंगे? नो, यू नीड टू क्लियर द थीम एट द लास्ट व्हेन ही इज हैविंग द थॉट दैट पहले एडला वापस जाती है, फिर फील्डिंग जाता है, देन दिस फ्रेंडशिप गोज टू लास्ट फेज. उसको ऐसा लगता है ही गेट टू हर्ट अबाउट दैट दे गॉट गेट मैरिड, ही गेट अपसेट रियली, बट आफ्टर 2 इयर्स व्हेन ही मेट विद द ब्रदर ऑफ फील्डिंग्स वाइफ ही गेट टू दैट ही डिडंट मैरी टू द उट How he ruled out the facts, that's really very important. How one get indulged in a sexual life. He had a first intercourse and he was guilty, yaar ye nahi hua. Then he goes certain half. Usko lagne ka kuch galat ho raha hai. Then regular sex, the masturbation and all that things happen in life. Ab wahan se nikalna chahta hai, he want to get out of it. So chuhe kha ke billi haj ko chali, he want to be a priest now. What the hell is this? वो प्रीस्ट बनना चाहता है यहाँ पे. ये जरूरी था कि उसकी लाइफ को दिखा, यंग एज एन आर्टिस्ट, दैट्स द थीम, उसका कैरेक्टर स्केच, थीम द गिल्ट, द फीलिंग्स एंड व्हाट ही डन, उसकी फैमिली की कंडीशंस जिसने फोर्स किया उसको चेंज करने के लिए, वो सारी चीजें हमें हाईलाइट करें. वी हैव टू वर्क आउट ऑल दीज एंड दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज रियली इंपॉर्टेंट. एज मस्ट से दैट पोर्ट्रेट ऑफ यंग एज एन आर्टिस्ट इज रियली इजी नॉवल. We can go from the beginning till the last in an easy line. Characters ज़्यादा नहीं हैं इसमें, limited characters हैं. Stephen's character on tip करेंगे and the themes को rule out करेंगे. And we get this chapter in our pocket, man. Jump up to the next, the Great Expectation. Charles Dickens, the masterpiece. I must say the masterpiece of Charles Dickens, Great Expectation. Everybody expects, everybody, but the expectation never to be fulfilled. Sorry, boss, no, never, ever. Will go to know the pip or the hero of the story. वो छोटा बच्चा जो पहली बार दिखा हमें कहाँ पे दिखा? अपने brother in law के साथ, जो वो उसकी sister, she was good for nothing but she was a sister, was crying at the graveyard of his parents, where he was threatened by a convict who was in chain. वहाँ से story शुरू हुई. That's the main point. क्या था मेन पॉइंट, क्या रोल है एस्टेला का, पिप का, मैकबिच का, द कन्विक्ट एंड द जैगलर्स, द लॉयर, सबके सब जरूरी है जानने कैसे डील कर पाएंगे, कौन सी चीजें जो हमें ऑन टिप आनी चाहिए. हाउ कैन रूल आउट दीज फैक्ट्स, दैट्स ऑल रियली इंपॉर्टेंट. द रोल ऑफ बिडी जो, दैट्स ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन देयर आर सर्टेन अदर कैरेक्टर्स, स्मॉल कैरेक्टर्स, बट दे हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द स्टोरी. The Great Expectation is a story of certain characters, those who come together at the last and have a glimpse of the past too. You cannot avoid the role of all, like the short road, but really very important. यहाँ पे हर कैरेक्टर को जानना, कैरेक्टर को समझना, कैरेक्टर्स क्या हैं, कैसे we can deal with them, and the way to write on the answers. That all is really very important. ये कहानी मेरी, आपकी, हम सबकी हो सकती है. The Great Expectation, we do expect a lot of things. But when he get to that, this heavy shame was not the lady who was the beneficiary of Pip. उस वक्त उसको कैसे लगता है? The signals of clocks, really the signals of clocks, वो सब की सब एक टाइम पे बंद थी. What was the reason behind that? And who was the main convict? Who was the really story plotter? एक एक चीज on tip चाहिए. As I told you, revisioning means I'm just trying to shed the dust out of your mind. कि यार ये सब है, ये सब था, ये पॉइंट है याद करने वाले. द मोमेंट व्हेन यू गेट द फर्स्ट किस ऑफ एस्ट्रा एंड द लास्ट मोमेंट व्हेन ही एंड एस्ट्रा वाज डूइंग ऑन द सेम पाथ बट डिपार्टेड, दैट ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूव अप टू द लास्ट, द वुडरिंग हाइट्स, द मास्टरपीस, एमिली ब्रॉन. एमिली ब्रॉन ने यहां पर क्या हाईलाइट किया? वुडरिंग हाइट्स हेल्प्ड टू, हाउ कैन यू रियली फॉरगेट दिस कैरेक्टर, दिस इज द रियल हीरो, द कैथरीन and the daughter Kathy. The hero remained helpless. For me, it's a hero till Kathy was alive.
But after it turned out to be a villain, man, really, he was good for nothing. And the whole story was being narrated by the one who's a tenant. Threshold and two places. After the Wuthering Heights. Exactly, the Wuthering Heights and Threshold. Ab yahan pe beech mein fields, wo thorn fields, hame zaruri hai jaane. Kya characters hain, characters kaise deal karte hain. And the revenge, that's true. The main title, the main theme of the story is the revenge. But from whom? Why? What is the reason behind it? ये सब हाईलाइट करना है. कैरेक्टर्स कैसे काम करते हैं, क्या चीजें हमें आनी चाहिए, एंड हाउ कैन वी रूल आउट द फैक्ट्स. दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जरूरी है समझना, जानना कैरेक्टर्स क्या हैं, कैसे डील करेंगे, एंड हाउ आर गोइंग टू वर्क आउट ऑल दीस. दोज आर प्रिपेयरिंग ईच एंड एवरी नॉवल, इट्स गुड दैट यू आर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग 5 to 6, आई वांट देम टू प्रिपेयर दीस. वर्क आउट अबाउट द राइटर्स, राइटर्स के बारे में जानना जरूरी है, उनका एक आइडियोलॉजी क्रिएट करना है, द वे ऑफ राइटिंग, द नरेटिव टेक्निक्स, वो सब चाहिए. देन देयर इज अ ग्रेट नीड टू राइट डाउन द आंसर बाय योर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अप्लाई एसीटी. आई हैव टोल्ड इन माय लास्ट क्लास, प्लीज चेक आउट माय वीडियो वेयर आई हैव टोल्ड यू हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ एमए इंग्लिश नोट्स. होप दिस क्लास विल रियली गिव यू द सर्टेन बेनिफिट्स to clear all your doubts. For more details, you can watch all these videos, those are available on Facebook. And if you don't have subscribed my channel till now, do subscribe right now and share the video with other people who think it's worth to watch. Bye, catch you very soon.